अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सेकंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 10. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ रिटन बाय फिलिप के हिटी. स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की डिटेल जो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर की थी, और आज का ये जो लेक्चर है वो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में है. और आपका पहला क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, गिव एन अकाउंट ऑफ दी अर्ली कैरियर ऑफ अब्दुलरहमान. अब्दुलरहमान का जो अर्ली कैरियर है उसके बारे में बताएं, हिज ड्रामेटिक एस्केप, उसकी ड्रामाई अंदाज में वहाँ से भाग जाना, एंड हिज एडवेंचर्स इन अफ्रीका, और अफ्रीका में उसकी मुहिम जो है उसके बारे में आपने बताना है. तो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, इन 750 में आफ्टर द डिफीट ऑफ दी उमैयद फैमिली, उमैया ख़ानदान की शिकस्त के बाद ही वाज इन बुदुअन कैंप, वो एक बुदुओं के कैंप में मौजूद था. मतलब वो उन खुशकिस्मत लोगों में से था जो कि बनू अब्बास के जो सोल्जर्स थे, फौजी जो कि लोगों को अंधाधुंध कत्ल कर रहे थे, उनमें से बचने वाले थे. तो वो एक बुदुओं के कैंप में जाके छुप गया. द अब्बासिस सोल्जर्स, जो अब्बासियों के सोल्जर्स थे, फौजी थे, केम टू किल हिम, उसको मारने के लिए आए, एंड हिज ब्रदर, उसके भाई को मारने के लिए आए. बट क्या हुआ कि ही सेव्ड हिज लाइफ बाय डाइविंग इन टू द रिवर. डाइविंग होता है छलांग लगा देना. अब अब्दुलरहमान ने क्या किया कि उसने अपनी ज़िंदगी बचाई कैसे, दरिया में छलांग लगा के. उसके भाई ने भी इसी तरह किया, लेकिन उसका भाई क्योंकि डरपोक था और वो दोबारा किनारे की तरफ चला गया, और वो अब्बासी फौजियों के हाथों मारा गया, जबकि अब्दुलरहमान जो है वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा. ही बोर मच हार्डशिप्स, उसने बहुत सारी मसाइब जो हैं वो बर्दाश्त किए, एंड रीच्ड स्पेन, और इस तरह वो वहाँ से होता हुआ स्पेन तक पहुँचा. और इसके दरमियान उसने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया. उसने इवन यहाँ तक कि अफ्रीका में अफ्रीका के गवर्नर के हाथों उसकी मौत होते होते बची, और इस तरह फिर आगे वो मशरक़ की तरफ स्पेन में पहुँचा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अब्दुलरहमान डील विद द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अब्बासी खलीफा टू कंट्रोल हर रूल. और वो कह रहे हैं कि जो अब्दुलरहमान है उसने अब्बासी खलीफा के ऑर्डर्स पे जो गवर्नर मुंतखब किया गया था उसके साथ कैसे डील किया था, या फिर उसके साथ क्या सलूक किया था. यहाँ पे देखें, अब्दुलरहमान किल्ड गवर्नर. अब्दुलरहमान ने क्या किया कि वो गवर्नर जो कि अब्बासी खलीफा की तरफ से मुख्तस किया गया था उसको मार दिया. प्रिजर्व His head in salt and काफूर. उसने क्या किया कि जो है नमक और काफूर में उसका सर जो है उसको महफूज कर लिया, और उसको जो है एक काले झंडे में, जो कि अब्बासियों का काला झंडा था, उसमें लपेट के एक जो है जो लेटर था, जो कि उस गवर्नर के अपॉइंटेड लेटर था, अपॉइंटमेंट लेटर था, उसमें रैप करके उसमें लपेट के जो अब्बासी खलीफा है उसको भिजवा दिया. तो इस वजह से अब्बासी खलीफा जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो गया, और उस इस तरह जो अब्दुलरहमान है उसने अपना बदला लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द अब्बासिद खलीफा या फिर कैलिफ से ऑन रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर. कि जब अब्बासी खलीफा को अपने गवर्नर का सर मौसूल हुआ तो अब्बासी खलीफा ने क्या जवाब दिया था, उसने क्या कहा था, या फिर उसका रिएक्शन क्या था. तो स्टूडेंट देखें, जो उस खलीफा ने, मतलब अब्बासी खलीफा ने डायलॉग बोले थे वो कौन से थे. थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फॉर हैविंग प्लेस्ड, रखने के लिए द सी, समुंदर बिटवीन अस, हमारे दरमियान, एंड सच ऑफ वॉर, इस तरह के दुश्मन के दरमियान. मतलब वो इतना ज़्यादा खौफ में आ गया था कि उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमारे दरमियान इतना बड़ा समुंदर जो है, मतलब इतना ज़्यादा पानी मौजूद है कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, वरना हमारी वो पता नहीं क्या हालत करता. तो अब्दुलरहमान जो है उसने अपना खौफ व हिरास जो है वो बगदाद में भी फैला दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड अब्दुलरहमान डू टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड टू ब्यूटीफाई हिज कैपिटल. कि अब्दुलरहमान ने अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किए, और इसके अलावा अपने जो कैपिटल है कॉर्डोबा स्पेन में उसको ब्यूटीफाई करने, खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से काम किए थे. तो इसने क्या किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेंड अ वेल डिसिप्लिनड आर्मी, कि उसने बहुत ही मुनज़्ज़िम एक आर्मी बनाई, और उसमें
जो हैं वो शामिल थे। इसके अलावा इसने अपना जो इलाका है उसको एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया, उनके ऊपर इन्वेजन्स की हमले किए और इस तरह स्पेन जो है वो उसकी रियासत बढ़ती चली गई, उसका इलाका जो है वो बढ़ता चला गया। जब ये सारी चीज़ें उसने मुकम्मल कर ली, अपने जो पाँव हैं स्पेन में अच्छे से गाड़ लिए, बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली, तो उसने अपने जो दारुलहकूमत है या फिर अपना अपनी रियासत है स्पेन और उसके दारुलहकूमत कॉर्डोवा, उसकी खूबसूरती की तरफ ध्यान दिया। तो उसकी खूबसूरती के लिए उसने क्या किया कि उसने एक खूबसूरत पैलेस अपने लिए तामीर करवाया जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और उसी के साथ ही एक गार्डन जो है तामीर करने का, गार्डन बनाने का हुक्म दिया। उस गार्डन में, उस बाग में मुख्तलिफ़ फलदार और फूलदार पौधे लगाए गए थे और जिसमें अनार और आड़ू के दरख्त वगैरह शामिल हैं जो कि उस सरज़मीन में पहले कभी भी नहीं उगे थे। इसके अलावा हम देखें तो अब्दुलरहमान ने एक खजूर का दरख्त भी लगाया और उसके ऊपर उसने कुछ अशार भी कहे थे। इसके अलावा अ सिस्टम ऑफ प्योर वाटर, उसने पानी, साफ़ पानी का जो सिस्टम है वो मुतारब करवाया, अपने लिए एक बाग करवाया, एक तामीर, और इस महलों में तसव्वुर किया जाता है। मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा, मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा वो फन तामीर है अब्दुलरहमान मान के दौर का जिसकी नज़ीर या फिर जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये दुनिया की बेहतरीन मसाजिद में से एक मस्जिद है और ये अब्दुलरहमान की वफात से 2 साल पहले इस हुई, लेकिन इसको मुकम्मल जो है इसके जानशीनों ने, मतलब थे उसके बाद आने वाले हुक्मरान थे, उन्होंने मुकम्मल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑल राउंड प्रोग्रेस एंड बाय द अरब्स अंडर अब्दुलरहमान 3rd। और वो कह रहे हैं कि अरब की जितनी भी तरक्की हुई ओवरऑल वो, और वो सोम के अंडर हुई, उसके डिस्कस, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जब अब्दुलरहमान और था तो उसमें वेविंग जो है, कपड़े बुनने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो है 700 कारीगर जो है मौजूद थे कपड़े बुनने के लिए। इसके अलावा देखें लेदर मेकिंग जो है, लेदर का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका था, बहुत ज़्यादा वसी हो चुका था। सिल्क जो है वहाँ पे पैदा की जाती थी। इसके अलावा ग्लास वायर जो है बनाई जाती थी, ब्रास वर्क जो है, तांबे का काम किया जाता था। इसके अलावा 70 लाइब्रेरीज भी अब्दुलरहमान 3rd, मतलब अब्दुलरहमान सोम के दौर में बनाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो मौजूद थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एजुकेशन है और लर्निंग की फील्ड में अब्दुलरहमान के सोम में, सोम के दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ, और जो कॉर्डोवा है वो इल्म फजल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि एशिया में और अफ्रीका में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड अल हाकिम डू टू प्रमोट लर्निंग एंड स्कॉलरशिप इन हिज किंगडम्स। अब जो अल हाकिम है, मतलब अब्दुलरहमान सोम के बाद आने वाला उसका सक्सेसर, वो कौन था, अल हाकिम था। उसके दौर में क्या हुआ, उसने जो है तालीम के ऊपर कौन कौन से काम किए और उसने स्कॉलरशिप वगैरह जो थे अपने किंगडम के उसके बारे में क्या काम किया। तो इसने क्या किया था, इन लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा जो कि पहले से ही यहाँ पे की थी और उनको बहुत बड़ा, उसको उसने इलाज किया और ज़्यादा वसत दी, उसकी जो तालीमी खिदमात जो है उसमें इजाफ़ा किया। दूसरी चीज़, एस्टेब्लिश्ड अ लाइब्रेरी विद 40,000 बुक्स, उसने एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें 40 लाख के करीब जो है किताबें मौजूद थीं। और इसके अलावा इसने ये जो है इसने लर्निंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, गिव द अर्ली फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ अब्दुलरहमान 1, कि अब्दुलरहमान 1 जो है उसकी जिस्मानी खदोहाल जो है उसके बारे में डिस्कस करें। तो अब्दुलरहमान 1 जो था वो क्या था कि अ यंग मैन ऑफ 20 के, वो एक 20 साल का नौजवान था, विद शार्प एक्ोलाइन फीचर्स और
जो थे वो बहुत ही खामदार थे, मतलब बहुत ज़्यादा शार फीचर्स का मालिक था वो, एंड रेड हेयर और उसके बाल जो थे वो रेड कलर थे के थे। एक और करैक्टरिस्टिक जो इनके बारे में हमें पता चलती है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि वो बहुत ही मजबूत कुवत इरादी रखता था, मतलब जो एक बार चीज़ वो ठान लेता वो उसको करके दिखाता था।